खेल दिवस पर आज राजधानी में आयोजित खेल अलंकरण समारोह में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से ओलंपिक खेल में जाने वाले खिलाड़ियों के मेडल जीतने पर खिलाड़ियों का बड़ा सम्मान किया जाएगा। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ से ओलंपिक खेलों में भाग लेकर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को अब राज्य सरकार करोड़ों रुपए का इनाम देगी। स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य में खेल और खिलाड़ियों के सम्मान में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मार्च 2024 में सरकार बनते ही 2019 से 20 और 2020 से 21 के लिए नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई थी। अब 2021 से 22 और 2022 से 23 के लिए भी खिलाड़ियों को 1,36,35,000 रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस मौके पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाले समय में राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। का भव्य आयोजन आज हुआ और ऐतिहासिक इसलिए कि 5 साल तक लगातार कांग्रेस के शासनकाल में खेल अलंकरण बंद कर दिया गया था, खिलाड़ियों को सम्मानित नहीं किया गया। और आज मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा सीएम साहब को, विष्णुदेव साय को, कि 5 साल उन्होंने खेल अलंकरण नहीं दिया, 7 महीने रहते रहते 2 बार अलंकरण का समारोह यहाँ पे हुआ, 1,36,00,000 और उसके पहले भी 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि। और एक बड़ी घोषणा उन्होंने की, ओलंपिक के लिए गोल्ड कोई लाएगा 3 करोड़, सिल्वर के लिए 2 करोड़, कांस्य के लिए 1 करोड़ रुपया और 31 जिलों में खेलो इंडिया का सेंटर मनसुख भाई ने घोषित किया है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि नीचे स्तर से गांव से खिलाड़ी निकलें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनको पहुंचाने के लिए जो मूल प्रशिक्षण की ज़रूरत है वो दिया जाए और खेल अलंकरण से उनको सम्मान होता है और अगली श्रृंखला में उत्कृष्ट खिलाड़ी का चयन, जिनको जॉब के लिए नौकरी के लिए गारंटी रहती है, तो ऐसा भी कदम मुख्यमंत्री उठाने वाले हैं। आज मैं उन सब खिलाड़ियों को बधाई दूंगा, टंकराम जी को, मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने को पुरस्कार मिला है। मेरी शुभकामना है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। देखिए, हमारी सरकार को मात्र 8 महीने हुए हैं और इस 8 महीने में जो पिछली 5 साल की सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी पुरस्कार से वंचित हो गए थे, लगातार 19, 20, 21 पहले अगस्त महीने में उनको पुरस्कृत किए और आज 20, 21 और 21, 22 के चयनित खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार से उनको सम्मानित किए हैं। और इस तरह से हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में खेल के जगत में जो टैलेंट हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम किया है और एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा भी किए हैं, आने वाले समय में ओलंपिक में छत्तीसगढ़ का जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेगा और जो स्वर्ण पदक जीत कर लाएगा उसको सरकार प्रोत्साहन के रूप में 3 करोड़ राशि देगी और जो रजत पदक जीत कर लाएगा उसको 2 करोड़ और जो कांस्य पदक जीत कर लाएगा उसको 1 करोड़ रुपये प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी।